कन्नौज के शासकीय अस्पताल में शासकीय एवं स्वशासी चिकित्सकों के हड़ताल पर होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर 1 मई से चिकित्सक आंदोलनरत हैं। सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने के कारण 3 मई बुधवार से सभी चिकित्सक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। इस बीच अस्पताल में आने वाले मरीजों को वापस घर लौटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सल्फास खाने वाले मरीज को कन्नौज से इंडेक्स हॉस्पिटल इंदौर उनके परिजनों द्वारा ले जाया गया। वहीं ग्राम नांदोन में राम भरोस पिता बाबूलाल उम्र 35 वर्ष ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चिकित्सकों के हड़ताल पर होने के कारण उसका पीएम भी नहीं हो सका। फिलहाल शव को फ्रीजर में रखा गया है। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। सिया रहते हो? कैसे आए थे यहाँ? ये बच्चा को लाए थे। क्या हो गया इसको? ये थोड़ा सा फिर गले में घुटने तो बताने के लिए लाए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर साहब तो मुझे नहीं बताया। क्यों, कहाँ गए डॉक्टर लोग? आप क्या मालूम नहीं कहाँ गए, यहाँ कोई भी नहीं है। बता रहा नहीं क्या बोले हड़ताल। अरे हड़ताल चल रही है इसलिए इलाज नहीं हो रहा है। कब आए थे आप यहाँ पे? तो आप सिया? अच्छा, ये कौन है साथ में? ये बच्चा। आपको बच्चा है? क्या हो गया इसे? इसको गले में गुठली हो गई। अच्छा, तो दिखाने आए थे? दिखाने आए। अच्छा, फिर कोई है नहीं यहाँ पे, तो छुट्टा बता रहा है। छुट्टी हड़ताल बता, फिर भगा रहे यहाँ से, फिर वापस जा रहे हो? जा रहे, क्या करे क्या करे। मैं रामचरण। कहाँ रहते हो? ये दवा खाने में काहे के लिए आए आप? सांस का नहीं है। सांस की बीमारी है? फिर डॉक्टर को दिखाना है? हाँ जी। फिर डॉक्टर यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, अभी आए ही। कब से बैठे हो यहाँ? एक घंटा हो गया। एक घंटे से बैठे हो यहाँ? सर, आपकी हड़ताल कितने दिनों से चल रही है और क्या मांगे आप लोगों की? हड़ताल हमारी जो आंदोलन चल रहा है चिकित्सकों का, वो 1 तारीख से चालू हुआ था। 1 तारीख को हमने केवल काली पट्टी बांध काम किया था कि सरकार हमारी मांगे मान ले, हमने नहीं मानी। 2 तारीख को हमने खाली 2 घंटे के लिए ओपीडी और दूसरी सेवाएं बंद की थी। इमरजेंसी 2 तारीख को भी हमने 2 घंटे के लिए चालू रखी थी। और आज से जबकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे प्रदेश स्तर पे शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के आह्वान पे हड़ताल पे जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में यदि कोई इमरजेंसी या एमएलसी केस आता है तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसी स्थिति में इमरजेंसी केस अगर आता है तो जो भी प्रशासन व्यवस्था कर रहा है उसके हिसाब से वो करेंगे हम तो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।